गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आई एम बैक आफ्टर एजेस। लाइक मुझे बहुत टाइम हो गया वीडियो शूट किए हुए और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो 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 मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 1 लाख से ऊपर हो गया अभी तो थैंक यू सो मच उसके लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो 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 मच। आई लव यू गाइस सो 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 मच। ओके, सेकेंड थिंग, आई एम रियली सॉरी कि मैं वीडियोज नहीं पोस्ट करी थी और मैं बिल्कुल चैनल से गायब हो गई थी, क्योंकि मेरे भैया की अभी अभी शादी हुई है एंड शादी की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे। तो इसीलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, सब कुछ ऐसे ऐसे भागा दौड़ी करी एंड शादी हो गई फाइनली, भाभी घर पर आ गई, तो इसीलिए मैं वीडियोज नहीं डाल पा रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी देयर। तो आज की वीडियो में आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई आउट दिस ब्रांड विच इज़ कॉल्ड स्विस ब्यूटी। तो मैंने यूट्यूब खोला और मैं हर जगह पे मुझे स्विस ब्यूटी दिख रहा था, तो आई वाज लाइक यार ऐसा है क्या इसमें। तो मैंने यू नो ऑनलाइन चेक किया तो उसके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ही अफोर्डेबल थे एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। मैंने सोचा कि हम लोग साथ में ट्राई करते हैं स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने फटाफट से जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो आई हैव ऑल द प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू गाइस कि मैंने जो है अपना बेस मेकअप ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि मेरे पास फाउंडेशन और कंसीलर नहीं था स्विस ब्यूटी का, तो मैंने अभी फाउंडेशन, कंसीलर और पाउडर जो है वो अपना नॉर्मल ब्रांड का अप्लाई कर लिया है, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं आई मेकअप और फेस का मेकअप, ब्लश, लिपस्टिक, ये सब मेरे पास स्विस ब्यूटी की है। सो आई एम गोना ट्राई दैट आउट। तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो राइट नाउ मेरा फेस जो है बिल्कुल डेड लग रहा है और बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर, डायमेंशन और ब्लश और कलर कुछ भी नहीं है, और मेरा फेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है क्योंकि सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है। तो उसके लिए मैं ट्राई करूंगी ये स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट। तो ये जो है ये फ्रीडम मेकअप जो पैलेट है, फ्रीडम मेकअप जो ब्रांड है, उसमें एक ब्लश पैलेट आती है, वो सेम एग्जैक्टली ऐसी लगती है। और फ्रीडम के वैसे अगर बाहर देखा जाए तो फ्रीडम के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, बट इंडिया में जो है वो कस्टम चार्जेस और ये सब लगा के वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंसिव करके सेल करते हैं। तो दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक, मैं भूली गई आपको दिखाना। दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग ऑफ इट लुक्स लाइक, इट कम्स इन अ वेरी नाइस स्लिक पैकेजिंग, और जो भी प्राइसेस होंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे होंगे। एंड दिस इज हाउ द एक्चुअल पैकेजिंग ऑफ इट लुक्स लाइक, काफी यू नो काफी स्लिक सी पैकेजिंग है। रियली रियली लाइक द पैकेजिंग ऑफ इट। नाउ लेट्स क्विकली ओपन इट एंड सी के अंदर से कैसी है, मैं तो पहले देख चुकी हूँ। सो इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ अ शीट। हाय, ये नहीं मैं, तो यहाँ पे एक फुल साइज का मिरर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यू नो फुल साइज का मिरर होना इज रियली इंपॉर्टेंट, मिरर होना इन जर्नल इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये फुल साइज का दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड दीज आर दी कलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लव दी कलर रेंज, क्योंकि इसमें आपको पिंक से लेके पीचेस तक, रेड, यू नो सारे शेड्स मिल रहे हैं आपको, सारी टोन्स मिल रही हैं, विच आई रियली लाइक। तो और यहाँ पे आपको दो हाईलाइटिंग शेड्स मिल रहे हैं, ये वाला कुछ ज़्यादा ही पिंक है, आई डोंट नो वाई इन्होंने इतना पिंक क्यों रखा है, लाइक इतना पिंक हाईलाइटर कौन लगाता है। एनीवे, दीज कलर्स आर रियली प्रिटी कलर। जो वैरायटी ऑफ कलर्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। दिस इज इन द शेड 02। अगर आपको सेम एग्जैक्ट लेना है, इसमें और भी शेड्स थे, आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेट्स क्विकली अप्लाइड ऑन माई चीक्स और देखते हैं कि इसकी पिगमेंटेशन और ब्लेंडेबिलिटी कैसी है। नाउ ब्लशेज में आई रियली लाइक द ब्लशेज जो कि ज़्यादा पिगमेंटेड ना हो और ब्लेंडेबल ज़्यादा हो, क्योंकि यू नो अगर ज़्यादा पिगमेंटेड होंगे तो मैं जूप करके जूप लगाया वो यू नो बिल्कुल ऐसे जोकर टाइप्स का लगेगा, वो नहीं चाहिए हमको। तो लेट्स क्विकली डू दैट। दिस कलर इज रियली इंट्रीगिंग मी अ लॉट। मुझे ये वाला कलर ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ये काफी डिफरेंट सा कलर है। सो लेट्स क्विकली डू दैट। तो किकबैक नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। तो किकबैक नहीं है इसका, यू नो वो ऐसे उड़ता नहीं है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। तो डैप करते हैं एक्स्ट्रा को। ओके नाइस, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, की बिल्कुल बिल्कुल कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बूम भी नहीं है। आई रियली लाइक दैट। यू नो यू कैन सी कि मैं इसको बिल्डअप कर सकती हूँ, विच इज़ अ नाइस थिंग। तो एक बारी में बहुत सारा ब्लश जब मेरे फेस पे ट्रांसफर नहीं होगा। आई लाइक दिस कलर। एंड द थिंग कि जो इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स थे वो मेरी स्किन के ऊपर ग्लिटर पार्टिकल्स मोटे मोटे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, बट द गुड थिंग इज कि इसमें एक नेचुरल सी शीन है। सो आई होप यू गाइस कैन सी कि शाइन आ रही है फेस पे एक नेचुरल सी, जो कि अच्छी लगती है, यू नो नेचुरल लगता है। तो मेरे पास हाइलाइटर के दो ऑप्शंस हैं, मैं ये वाला भी अप्लाई कर सकती हूँ जो कि पैलेट के अंदर है, और मेरे पास ये यू नो ये भी है हाइलाइटिंग पैलेट। दिस इज दी स्विस ब्यूटी ब्रॉन्जिंग पैलेट, बट इसमें क्या है, इसमें एक ब्लश कलर मिल रहा है, यू गेट अ ब्लश कलर, ये ब्रॉन्जिंग कलर है और ये हाइलाइटर है। बट द थिंग इज कि ब्लश के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है, एज यू कैन सी इसमें
ब्लश के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है, ब्रॉन्जिंग के लिए भी ये बहुत ही ग्लिटरी है, बट अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो यू कैन यूज़ इट एज अ हाईलाइटर, जो कि बहुत ही प्रिटी लगेगा डार्क स्किन टोन के ऊपर. तो मेरी स्किन टोन पे ये वाला हाईलाइटर अच्छा लगेगा. सो आई एम गोना अप्लाई दिस वन ऑन दिस साइड एंड पैलेट वाला हाईलाइटर आई एम गोना अप्लाई ऑन दिस साइड. तो मैं ये वाला कलर पिक करूँगी क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा पिंकी है और इतना पिंक हाईलाइटर तो बहुत ही वियर्ड ही लगेगा. बट हाँ, अगर आप जैसे ब्लश अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आप एज अ टॉप कोट इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर यू वांट, अगर आप पार्टीज में जा रहे हो एंड यू वांट कि आपके जो चीक्स है वो बहुत ही हाइलाइटिंग से लगे, सो यू कैन डू दैट. ओ माय गॉड, कैन यू सी इट एक ही बारी में? माय गॉड. तो पैलेट तो मेरे साइड से थम्स अप है क्योंकि ये ब्लशेस बहुत अच्छे हैं और हाईलाइटर तो यू कैन सी के कितना ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है. दिस पैलेट इज़ अमेजिंग गाइस, जस्ट बाय दिस क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल भी है. इसमें इतने सारे आपको ब्लशेस के रेंज ऑप्शंस मिल रहे हैं एंड हाईलाइटर अमेजिंग है. आई मीन दिस, आई गोना पिक दिस अप ऑन माय ब्रश. ये भी काफ़ी इंटेंस ही लग रहा है. ओ माय गॉड, Oh my God, this is so pretty. You guys, can you see that? Amazing. इसको भी swatch करते हैं, like इसके दूसरे shades भी swatch करके देखते हैं. Wow, so pretty. Oh my God, can you see? This is really pretty, you guys. Really pretty. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. नाउ लेट्स क्विकली ट्राई आई शैडो पैलेट. दिस इज हाउ दिस आई शैडो पैलेट लुक्स लाइक. इट दिस इज इन द शेड 01 एंड इट कम्स विथ 12 शेड्स. यस, इट कम्स विथ 12 शेड्स. इसमें बहुत आई शैडोज में काफ़ी सारे ऑप्शन थे बट आई चोज फॉर दिस वन एंड दिस इज द स्विस ब्यूटी एक्सक्लूसिव आई कलर कलेक्शन पैलेट. This is how it looks like. Packaging is really nice and I think इन्होंने मेकअप रेवोल्यूशन और फ्रीडम ब्यूटी को काइंड ऑफ यू नो कॉपी किया है. मेकअप रेवोल्यूशन और फ्रीडम ब्यूटी दूसरी ब्रांड्स को कॉपी करती हैं एंड इन्होंने उनको कॉपी किया है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज़ अ वेरी नाइस मैट पैकेजिंग और जो लिखा हुआ है वो यू नो दैट ग्लॉसी से उसमें है. प्लस इट ऑल्सो कम्स विद अ मिरर विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. अगेन मिरर वाली बहुत ही अच्छी बात होती है, मिरर ऐड करना. थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मिरर. तो दीज आर दी शेड्स and it comes with a sponge tip applicator which is honestly useless for me. I don't use these kind of applicators. So these are the shades, you guys. Very nice, you know, this is a very nice everyday kind of makeup but isme aap smoky eye bhi create kar sakte ho and you know it has matte shades and glitter wale shades. So let's quickly try and apply it on our eyes. So first of all I'm gonna pick up this color right here and I'm gonna apply this color on my crease to kind of give it a very nice definition and depth to my crease. Fallout जबरदस्त वाला है, you can see fallout है. But fallout का कभी कभी मतलब होता है कि eye shadows are very nice and blendable. But you can see बहुत ज़्यादा उड़ रहा है. ओके, आई लाइक इट. लाइक पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है. लेट्स क्विकली चेक दी ब्लेंडेबिलिटी कि ये ब्लेंड होता है कि नहीं. रियली लाइक द पिगमेंटेशन, रियली लाइक द ब्लेंडेबिलिटी. आई शेडो पैलेट में यही दो चीज़ें होती हैं, एक पिगमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और ब्लेंडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. एंड ऑनेस्टली दोनों ही चीज़ें हैं इसमें. नाउ आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस गोल्ड कलर क्योंकि ये काफ़ी कलर मुझे प्रिटी लग रहा है. सो आई एम गोना अप्लाई दिस कलर ऑन माई आईलिड एंड सी के इसकी पिगमेंटेशन कैसी है. मैंने इसको अपने फ्लैट ब्रश के ऊपर पिक कर लिया है. इट इज सो सो, लाइक बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है. डेफिनेटली यू कैन वर्क विद इट. ब्रश को थोड़ा सा आपको डैम्प करना पड़ेगा टू गेट दैट यू नो टू गेट दैट शाइन और गेट दैट पिगमेंटेशन. ब्रश को गीला करना पड़ेगा विद शिमर आई शेडोज, बट जो मैट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं इसके. शिमर्स के लिए थोड़ा सा यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क. तो नेक्स्ट थिंग इज द स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आई लाइनर. 2-in-1 प्रोडक्ट है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ इसकी ह्यूज बल्की पैकेजिंग पे मत जाइएगा. लेट मी शो यू गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. जिसका ब्रश गिर गया, वाओ, गिरा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये बहुत ही छोटू सा है तो ये पैकेजिंग पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी बड़ी रखी है. सो
इट कम्स विद अ ब्रश विच इज़ अ वेरी हैंडी डैंडी ब्रश. ये ऐसे ब्रशेज मुझे अच्छे लगते हैं जो कि एक्चुअली तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वन साइड पे ये एंगुलर है जिससे कि आप आईब्रोज फिल कर सकते हो, वन साइड पे ये ऐसे है जिससे कि आप अपना आई लाइनर क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस काइंड ऑफ ब्रशेज. नाउ फॉर द प्रोडक्ट, ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करोगे सो यू गेट अ जेल आई लाइनर. फोकस. ऐसे ट्विस्ट करके ओपन करोगे सो यू गेट अ जेल आई लाइनर, जिसमें मैं ऑलरेडी एक डेंट मार चुकी हूँ. एंड इसकी जो ऊपर की ढक्कन है, इसमें ये कैप है. सो खुल जा. सो दिस हाउ इट ओपन्स अप एंड यू गेट अ आईब्रो का प्रोडक्ट. यू कैन यूज इट एज आई शेडो एज वेल. जरूरी नहीं होता कि हम इसको आईब्रो पे ही अप्लाई करें. तो अगर आप यू नो ट्रैवल कर रहे हो सो यू कैन डेफिनेटली यू नो कैरी दिस. आप इसको एज आई शेडो अप्लाई कर सकते हो और ऊपर आई लाइनर अप्लाई किया एंड आपका स्मोकी आई ऐसे क्रिएट हो गया लाइक दिस. सो नाउ आई एम क्विकली गोना फिल इन माय आईब्रोज विद दिस आईब्रो वाला प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना यूज दिस एंगुलर साइड फ्रॉम दिस ब्रश. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये जो कलर है ये डेफिनेटली मेरे हेयर कलर के साथ कहीं दूर दराज तक मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कूल टोन ब्लैक कलर है और मेरे जो यू नो हेयर कलर है वो बिल्कुल ही ब्लॉन्ड और यू नो लाइट कलर के हैं. बट प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं सो आई कैन ओनली कमेंट ऑन द टेक्स्चर ऑफ द प्रोडक्ट. आई कैन नॉट कमेंट ऑन द कलर. ओके, इट इज़ वेरी पिगमेंटेड which can be a negative thing for some people. अगर like आप you know beginner हो और आपको ज़्यादा you know इतना नहीं आपका हाथ जो बैठा हुआ eyebrow fill in करने में, so it can be difficult कि अगर product बहुत ही pigmented हुआ, so you can definitely go wrong with it. Eyebrows एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि you can ऐसे ऐसे गलती कर सकते हो, so it is pigmented for that. ऑनेस्टली मैंने पहले गलत बोल दिया. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स नेचुरल. पिगमेंटेड है बट यू नो यू हैव टू वर्क लिटिल केयरफुल, क्योंकि ये पिगमेंटेड डेफिनेटली है बट आई डोंट नो आई एम लाइकिंग इट. ये अच्छा लग रहा है. सॉरी सॉरी स्विस ब्यूटी, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी पहले. सॉरी, लव यू, आई लाइक इट. ओके, आई रियली लाइक दिस आईब्रो प्रोडक्ट. नाउ लेट्स क्विकली अप्लाई द जेल आई लाइनर और देखते हैं कि जेल आई लाइनर कैसा है. सो आई एम यूजिंग द सेम ब्रश फॉर द जेल आई लाइनर और जो जेल आई लाइनर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है. मैंने जैसे ही यू नो ब्रश जो है वो डिप किया, वो मेरा ब्रश बिल्कुल अंदर धस गया. फॉर अ जेल आई लाइनर दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैव दिस मच क्रीमी कंसिस्टेंसी. इतना क्रीमी होना अच्छा नहीं है, क्योंकि दैट मीन्स कि वो ट्रांसफर भी कर सकता है. प्लस जो प्रोडक्ट है वो प्लस जो ब्रश है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी है, मेरे ब्रश ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पिकअप कर लिया है, दैट कैन क्रिएट अ मेस. तो सो लेट मी यू नो जस्ट ट्राई दिस टू सी इफ इट ट्रांसफर्स. डेफिनेटली इट डेड ट्रांसफर, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर कर रही है. दिस इज़ नॉट रियली नाइस, ये बहुत अच्छा नहीं है. आई डोंट लाइक इट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी का है. ये बहुत ज़्यादा इंटेंस ब्लैक भी नहीं है और ये ट्रांसफ़र भी कर रहा है, क्योंकि ये क्रीमी बहुत है. सो लेट मी शो यू गाइज कि मैं क्या कह रही हूँ. लाइक मैंने ऐसे प्रेस किया अपने फिंगर को एंड यू कैन सी मेरे फिंगर के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ गया. फोकस कर ले भाई. हाँ, यू कैन सी कि मेरे फिंगर पर ब्लैक ब्लैक आ गया. सो इट इज़ ट्रांसफरिंग विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. और लास्टली आई एम गोना ट्राई दिस स्विस ब्यूटी की यू नो प्योर मैट लिपस्टिक. नाउ आई लव लिपस्टिक्स एंड आई लव मैट लिपस्टिक्स. मैट लिपस्टिक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है एंड आई लव दैट कि मैट लिपस्टिक्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड है. आई लव दैट. सो दिस इज ऑल द आउटर पैकेजिंग ऑफ दिस लिपस्टिक लुक्स लाइक एंड इट इज़ कलर कोडेड. यहाँ पे जो कलर का नाम है वो लिखा हुआ है यहाँ पे एंड स्टिकर के ऊपर. एंड वेन यू ओपन इट this is how the packaging of the lipstick looks like. now packaging reminds me of MAC lipstick similarly, like bilkul same MAC jaisi inhone shape diya hai. size different hai but shape jo hai wo bilkul MAC wali hai. and this is how the lipstick bullet looks like. obviously maine isko pehle ka apply kiya hua hai kyunki lipstick dekh ke I cannot hold myself. तो मैंने ये ट्राई की हुई है, अप्लाई की हुई है एंड इसका तो मेरे पास रिव्यू पूरा पूरा है. इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग यू गाइस. ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. मेरे लिप्स पे कोई लिपस्टिक नहीं टिकती है बट दिस वन डेफिनेटली डिड स्टे ऑन माय लिप्स.
विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स, प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड पिगमेंटेशन भी अच्छी है. लाइक लेट मी जस्ट वॉच इट, यू कैन सी पिगमेंटेशन इज़ वेरी नाइस राइट. अप्लाई करते हैं. कलर इज़ वेरी बोल्ड एंड वेरी इंटेंस कलर. पिगमेंटेशन बहुत अमेजिंग है. स्टे पावर बहुत अच्छा है. दिस लिपस्टिक इज़ वेरी नाइस. इट यू नो स्टेज वेरी कंफर्टेबल ऑन योर लिप्स इवन दो इट्स अ मैट लिपस्टिक. मैट लिपस्टिक जो होती है वो कभी कभी ड्राइंग हो सकती हैं, बट इट स्टेड ऑन माई लिप्स वेरी नाइसली. प्लस इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड नॉन ड्राइंग. सो आई एब्सोल्यूटली लव दिस लिपस्टिक. सो दिस इज माई फेस आफ्टर अप्लाइंग स्विस ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंड नाउ लेट मी जस्ट सम अप दिस रिव्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अप्लाई किया था दिस स्विस ब्यूटी की प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट, विच यू गाइस सॉ ऑलरेडी के कितना अच्छा इफेक्ट था इस हाईलाइटर का. ये वाला था शायद, हाँ, कितना अच्छा इफेक्ट था इस हाईलाइटर का. एंड द ब्लशेज वर अमेजिंग. आई रियली लव दिस आई रियली लव दिस ब्लश पैलेट. इट इज अमेजिंग. सो सेकेंड थिंग दैट आई ट्राइड वॉज दिस ब्रॉन्जिंग पैलेट. नाउ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, विच इज़ दिस हाईलाइटर. बिकॉज ये जो ब्रॉन्जर है इसका वो बहुत ज़्यादा शिमरी है फॉर अ ब्रॉन्जर. यू कैन सी, यू कैन अप्लाई इट एज आई शेडो. डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दिस पिंक कलर एज आई शेडो एज वेल. इसको भी आप आई शेडो की तरह अप्लाई कर सकते हो. बट एज अ ब्रॉन्जर दिस इज नॉट अ ब्रॉन्जर. ये बहुत ज़्यादा शिमरी है एज फॉर अ ब्रॉन्जर. एंड ये ब्लश भी बहुत ज़्यादा शिमरी है फॉर अ ब्लश. तो इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई इट एज आई शेडो आप कर सकते हो. यू नो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो फॉर हाई लाइटर, ये वाले के लिए यू कैन परचेज इट फॉर हाई लाइटर. और ये दो जो कलर्स हैं उसको आप एज आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट इट. सो नेक्स्ट थिंग दैट वी ट्राइड वॉज दिस आई शेडो पैलेट. नाउ फॉर दिस इज नॉट द मोस्ट अमेजिंगली पिगमेंटेड यू नो आई शेडो पैलेट. बहुत अमेजिंगली पिगमेंटेड नहीं है, बट फॉर द प्राइस पॉइंट एंड द शेड वेराइटी आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई मोर ऑप्शन इन दिस रेंज. इसकी और भी जो शेड्स हैं आई वुड लव टू ट्राई दैट. अगर आपको वीडियो देखनी है इसके और शेड्स की, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं डेफिनेटली परचेज करके उसका रिव्यू पोस्ट करूंगी फॉर यू गाइस. फॉर दिस आई लाइक द आईब्रो प्रोडक्ट. आई रियली लाइक द आईब्रो प्रोडक्ट. बहुत ही अमेजिंग लग रहा है. तो आई डोंट लाइक दिस जेल आई लाइनर. दिस इज़ वेरी क्रीमी एंड नॉन पिगमेंटेड फॉर मी. आई लाइक माई आई लाइनर्स टू बी जेट ब्लैक एंड यू नो मैट. दिस इज़ वेरी क्रीमी. नाउ फॉर लिपस्टिक, एज यू ऑलरेडी कैन सी दिस इज अ ब्यूटिफुल कलर. दिस इज अ ब्यूटिफुल टेक्स्चर. बहुत ही कम्फर्टेबल है. इट लुक्स मैट ऑन माई लिप्स. वेरी कम्फर्टेबल, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, विच आई रियली नीड. क्योंकि मैं अपनी लिपस्टिक्स खा जाती हूँ, यू नो स्पेशली जो अगर गोल गप्पे खा रही हूँ तो मेरी लिपस्टिक खत्म हो जाती है, लाइक गॉन फॉर एवर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड है, कुछ भी है दैट यू वॉन्ट मी टू ट्राई एंड रिव्यू ऑन माई चैनल, मुझे बस जस्ट कमेंट करके बता देना. मैं डेफिनेटली परचेज करके उसको रिव्यू डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि शॉपिंग करने का मुझे बहाना मिल जाएगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना. आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाएगी. एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाला बटन है उसको क्लिक कर दो. उसमें भी आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत सारी खुशी मिल जाएगी. मेरे फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे, मेरे परिवार में और लोग आ जाएंगे. एंड आई वुड लव टू डू दैट. प्लस इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ मी, जस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.